कप टीम का भी हिस्सा रहे ओवरऑल 346 से ज्यादा विकेट्स नहीं दुनिया भर में अपनी कोचिंग स्किल्स से क्रिकेटर्स को निखार रहे हैं क्या ही मजेदार इंसान है इनके आज जाने से चेहरे पे सबके खुशी आए प्लीज वेलकम मुशिबा मुशी भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आपने आके ना मेरे शो का लेवल इंक्रीज कर दिया रहीम पहले बात तो मोमिन को मैं अब क्रेडिट देता हूँ एज ए कोच कि आई थिंक ही इज़ बिकम अ वेरी गुड एंकर आस्क मी वाई पूछे जी क्यों yeah. क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन के ऊपर कह रहा है कि जो आएंगे उनकी ज्यारत आपने करनी है तो जैसे मेरा गेटअप है उसके मुताबिक लफ्ज़ों का खेलने लग गया <laughs> तो इसका मतलब ठीक है well <laughs> <laughs> माशाल्लाह साईवाल में पैदा हुए पहले कुछ साल साईवाल में तेरह चौदह साल आप रहे पहले तो उधर का दूध और से भी मशहूर हैं पूरी दुनिया में जो साईवाल की जो भैंस है ना बड़ी मशहूर है और जो मैंने अपनी स्विमिंग सीखी है ना नहर में हाँ। वो भैंस की पुषे को पकड़ के सीखी है भाके? आप ये, ये, 100%. <laughs> आ, 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 आपके स्विमिंग के चक्कर में कहीं वो तो नहीं नहीं डूब गई इतना वेट नहीं था तब हमारा हम बल्कि जब डूबने लगते थे उसकी कमर पे चढ़ जाते थे तो बड़े सी, सी, सी उधर से और मैं कहना चाह रहा था कि अब तो दुनिया में साईवाल को मशहूर करने की एक और वजह थैंक यू थैंक यू मुझे बताएं मुश्ताक अहमद से ये मुशी भाई तक का सफ़र ये कैसे हुआ ये मुशी भाई का नाम किसने डाला ये मुशी एक्चुअली रिची बैनो एक कमेंटेटर थे ऑस्ट्रेलियन अच्छा। वो भी लेग स्पिनर थे अच्छा अच्छा क्योंकि उनके उनको ना प्रनाउंसेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है वो जवेद मियादाद नहीं कह सकते मगर मेरा नाम उसको प्रोनाउंसेशन नहीं आती तो उन्होंने कहा जी मुश्ताक से मुशी इंजमाम ना, नाम चढ़ उनकी जुबान पर नहीं चढ़ता था इन्सी इन्जी का न, नाम तो इंजमाम का नाम तो हमारे मुँह पर नहीं चढ़ता तो उनके नाम मुँह पे क्या चढ़ना था तो वो मेरे फिर मुश्ताक अहमद से मुशी इंजमाम से इन्जी इस करते तो, तो ये सारा उनकी तरफ से आ रहा है ये उनकी तरफ से है। और ये जो ये नाम की एक पहचान बनने तक की जो एक स्ट्रगल थी ये स्ट्रगल अगर आप थोड़े से लफ्ज़ों में बयान आई थिंक ये जितनी भी हमारी यूथ बैठी है एक बात याद रखना है देर इज़ टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड अचीवर्स एंड अंडर अचीवर्स ये जो मोमिन ने कहा ना अचीवर्स बनने के लिए ना आपको ज़िंदगी में फैसले करने पड़ते हैं आपको फेलियर जो आता है ना आपका जब आप फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में या क्रिकेट मैच में आप फेल हो जाते हैं तो उस फेलियर से जो बंदा सीख के अगला मैच खेलता है या अगला एग्ज़ाम देता है वो अचीवर बनता है जो बंदा से और फेलियर से घबरा जाता है वो कभी अचीवर नहीं बनता अल्लाह ने मुझे बचपन से क्योंकि मेरे वाले साहब बहुत मजदूर थे यू नो लाइक वेरी हम्बल बैकग्राउंड बट एक चीज उन्होंने दिखाई थी कि बेटा जिंदगी में गिव ना करना और जो लोग गिव अप नहीं करते दे बिकम अचीवर्स अचीवर्सिया <laughs> मुझे भाई जहाज इस तरह इस तरह रनवे से जाके इस तरह टेक ऑफ करता है आपने तो शो को ऐसे ही टेक ऑफ कर दिया अच्छा ये अच्छा ठहर 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 जो 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 अभी मोमन का टेस्ट ले लेते हैं इसने जहाज की बात की है आपके सामने एक छोटी सी एक कसोटी खेलूं आपसे एक आपसे जहाज है। नहीं नहीं, आप नहीं, 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 ये जवाब आना भी नहीं आपको लगता है।, पता है आपको पता तो आपने किसी ने बताना नहीं है जहाज उड़ा है लाहौर से हाँ। और इस्लामाबाद गया रात की फ्लाइट है ठीक पी आई का जहाज है और वो इस्लाम की पहाड़ियों में जाके वो फनी खराबी की वजह से क्रैश हो गया एवरी थिंग फिनिश आपने रात को देखा है ऊपर उसके बत्ती जल रही होती है लाल हाँ, हाँ वो, वो कभी जालरी होती है कभी बंद हो रही होती है कभी जालरी होती है कभी बंद हो रही होती है वो जब जहाज गिरता है टूट जाता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो जब वो वहाँ पर लोग जाते हैं वो उसको उठाने के लिए कचरा कुचरा सब का तो वो लाइट जो है वो बड़ी दूर गिरी होती है मगर वो कभी बंद हो रही है कभी बुझ रही है कभी बंद हो रही है कभी बुझ रही है उसकी क्या वजह है उसमें क्या क्यों वो क्यों चल रही है थोड़ी सी जान रह गई होती है उस उसमें वो कैसे जो बताना नहीं किसी ने प्लीज़ यार उन्होंने मना किया ना नहीं बताना वो इस बात की गवाही होती है कि हादसा इधर ही हुआ है नहीं वो बंद हो रही है बुझ रही है वो क्यों कर रही है से? आखिरी सांसे वो कैसे आखिरी सांसे कैसे मोमेंट बताओ ब, ना सोचो जरा बंद हो गया ना उमर तो अकमल से मैंने ये सवाल किया था उमर अकमल ने कहा चांद की रोशनी उसके ऊपर ऊपर पड़ रही थी इसलिए हो रही थी वो <laughs> तो, तो आप क्या कहते हो मैं ये कहता हूँ कि बस चाहिए जो लोग चले गए उनकी बख्फरत के लिए मगर वो बत्ती क्यों बंद हो रही है किसी को पता है <laughs> <laughs> <और लागे देखो। laughs> क्या बात है सर थैंक यू सो मच कमिंग तरीफ रखे हथकर दी का सिलसिला आगे लेकर चलते है और इस बत्ती को अब <laughs> ऑन ऑफ नहीं होगी ऑन ही रहेगी माशाल्लाह हम क्या दुनिया जानती है गुगली मास्टर रहे हैं आप बत्तीस से ज्यादा प्लेयर्स को आपने स्टंप आउट कर दिया लेकिन वसीम भाई क्यों रोकते थे आपको गुगली करने से <laughs> अच्छा मेरी और मोइन की ना बड़ी आपस में जब हम दूसरे से एक गुस्से में आते थे ना बहुत हम जगरी यार है अच्छा मोइन इंजी माइसेन से, से कट्ठी क्रिकेट खेल रहे हैं मोहमेन अच्छा तो जब उसको कोई मैं तंग करता था ना ज्यादा तो वो पीछे से जब मुझे कुछ चौका पड़ता था ना हालांकि मैं बॉल लेग ब्रेक ही होती थी तो वसीम भाई ने मीटिंग में कहा था कि आपकी जो गुगली है ना ये वेपन है आपने इसको विकेट टेकिंग तौर पे इस्तेमाल करना है इसको हर दफ़ा नहीं इस्तेमाल करना नहीं करना तो मनु ऐसी लगता था कि हर गेंद पे मैं गुगली से विकेट ले लाऊंगा अब मोहन को जब पता चलता था चौका पड़ा है वो टांग रख के मुझे चौका पड़ा है एक तो मोहन ने पीछे से ना मेरी तरफ देखा नहीं तो मैं देख रहा था मोहन को तो मोहन ने वसीम भाई को ना कवर में वो खड़े थे एज ए कैप्टन तो आंख मार के ना ऐसे आंख मार के कहते हैं ऐसे इशारे के गुगली क्योंकि गुगली के लिए हाथ घुमाना उल्टा पड़ता है तो कह रहे गुगली है तो वसीम भाई ने कहा यार मुशी मैं तेन कह रहे हैं गुगली ना कर फिर तू तो गुगली करके चौका खा लिया और मैं क्या कसम से वसीम भाई अल्लाह की कस्में लैग ब्रेक सी जान के तहत तो मेरे वास्ते ना लड़ाई तो ग्राउंड च मेरे ना तो लड़ाई करा रहे हैं <laughs> ग्राउंड में लड़ाई करवा देता था मोइन अच्छा क्रिकेट तो चल रही है ना भी काम चल रहा है थोड़ा शुगल मेला भी चल रहा हम तो बहुत हमारी क्रिकेट में जो नाइनटीज़ के क्रिकेटर्स है ना मोहन वी यूज टू इन्जॉय आर क्रिकेट अलॉट उसमें पता क्या जब हम मतलब मुझे एक मैच में मार पड़ रही है अब सईद अनवर बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ी है उनकी कवर में खड़े और मुझे तीन चार चौके एक ओवर में लगातार पड़े और वो मैं पाँचवीं छठी विकट पर छठे बॉल पे मुझे विकेट मिल गई वो कवर से भागते हुए आए मैंने कहा शाबाश देंगे आके मुझे शाबाश दी और कहते हैं मुशी वेल डन मैं हेलमेट मंगवा लूँ मैंने कहा सईद भाई हेलमेट क्यों मंगवा लूँ कवर में फील्डिंग कर रहे हैं तो क्या मैं क्या हेलमेट क्यों मंगवा लूँ कहने जिनी ज़ोर जोर से तो खा रहे हैं मैंने कवर से डर लग रहा है बाउंड्री से डर लग रहा है मैंने गेंद ना भाजी है इसी इसी से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा ना ग्राउंड में हंसी मजाक चलता रहता है एक दफ़ा सिद्धू पाजी से आपकी गर्मी सर्दी हो गई उन्होंने मोइन भाई से कहा कि वरना साड़ी हाथापाई हो जानी है ये क्या वाकया था ये तो अपने भारत के क्रिकेटर नवजोत सिद्धू है उनसे मेरी बड़ी यारी थी हमारी हम बहुत आपस में दोस्त थे अभी भी जब भी मुलाकात करते हैं तो अच्छी मुलाकात होती है तो वो जब खेल रहे होते थे ना तो मैं मेरा रोल होता था उसको हाइप करना उसको ऊपर करना और मोइन का रोल होता था उसको डिग्रेड करना <laughs> तो अब ये हमारा कम्बिनेशन उनको नहीं पता था इस बात का तो क्या किया वो जब टोरंटो में मैच हो रहा था आई थिंक शुेब अख्तर या जाहिद बॉलिंग कर रहा था बड़ी तेज़ तो शुेब अख्तर बॉलिंग कर रहा था तो इन्होंने निकल के मारी तो लगी नहीं तो मोइन ने पीछे से आवाज़ लगाई सिद्धू पाजी की कर दो एडे वे बोंगी हटा मार देर सुन रहे हो वो। हाँ, हाँ, वो ना हाँ. तो समझते थे हिटा मारे हूँ निकल के मारी न तो मैं शोबखर को आह रहे हैं ठहर जजरा अब उनको आ, उनको गुस्सा चढ़ा अंपायर को गेंद रुकवा के ना मोइन की तरफ चले और मोइन को जा कहते हैं और मेरी गल सुन तू मू शे बख्तर को डरा रही है मैं वैस के एडे एडे लंबे एडे फास्टफुल 15 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈ ਸ਼ੇਵਖਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਸੇ ਮੈਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪ ਗਰਮੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਪਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੁਹੈਨ ਮੁਸ਼ੀਏ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਹੀ ਮਨੂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਵਖਤਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਪਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਧਰ वो वाकई फुल टॉस करा के तो ना दे गेंद <laughs> कहते अच्छा ये गल आ जा फिर ठीक है तू कर वो इस तरह हम शरारत करके उनका माइंड सेट गर्म करके और विकेट भी ले लिया करते थे अगली बॉल पर सिद्धू पानी जी ने क्या किया था <laughs> सिद्धू पानी ना वो डि, 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 डिफेंस कर लिया था मेरा बीट हो गए थे मगर हमने शरारतें करते थे ना सचिन को कह देते थे सचिन तेंदुलकर खेल रहा होता था अब बड़ा प्लेयर ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर यू नो लाइक उसको आप ये कहना मैं करीब से जा रहा हूँ मोइन करीब से इसको आउट ना करना इसको आउट ना करना अब सचिन सुन रहा है कानों ना कनखियों से देखता था इस तरह क्यों कह रहे हैं ये इसको आउट ना करना इसको आउट ना करना वो कह रहा है क्यों अरे भाई क्यों कह रहे हो इस तरह <laughs> तो हम कह रहे थे इसलिए कह रहे हैं कि तू तो अपने लिए खेलता है तू टीम के लिए खेलता ही नहीं है <laughs> <laughs> अब हुआ क्या मोमेंट कई दफ़ा वो गुस्से में आके हिट मार देता था हालांकि बड़ा काम और बड़ा वो उसके अंदर बड़ा पेशेंस था और शरवाग उल्टा था हम सर्वा कहते हैं गेंद ही नहीं रोक सकता तू गेंद ही नहीं रोकनी आती वो वाकई उसको नहीं रोकनी आती वो बड़ा डेंजरस प्लेयर था वैसे तो आप लोग क्रिकेट तो क्रिकेट अगलों के माइंड के साथ भी खेल रहे होते थे ये माइंड और मैं तो मैं सही दर, सही धर्म अक्सर कहते हैं अगर तेरी तीन सौ छियाली विकटा ना इंटरनेशनल तो वह तीन सौ गलत ने मैं कह किसी कहते तू तो मोइन ने ना गलत तरीके ना पीला करके कर ने अच्छा हम, ये भी वो कहते थे कि आपकी में मोइन भाई का बड़ा हाथ बहुत मोइन मुझे बताते थे मुशी ये अंपायर वीक है इसके ऊपर दो तीन अपीलें करना ये विकेट विकेट ले लेगा और हम तो देखते भी नहीं थे आउट करके हम तो दोनों छिलागे मार के सेलिब्रेशन कर रहे वो कह रहे मुशी वेल बोल्ड कम ऑन वेल डन वो अम्पायर ने कहा कितने कॉन्फिडेंट रोला पाना पाई पाई रखना दे ही दे और अगर एस उस वक्त थर्ड अंपायर होता तो हो सकता मैं और मोइन जेल में होते है इस हैं <laughs> 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 दोनों संजू बाबा आईसीसी की तरफ से बैन हो जाते कि इन्होंने हमारे एम्पायर पे इतनी गलतियां गलतियां निकाल ये एक मजे की बात है अब भी आजकल प्लेयर्स में बाबर आजम रिजवान विराट इनमें एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप नजर आता लेकिन जो फ्रैंकनेस आप लोगों के बीच में थी ना फ्रैंकनेस और एक छेड़ा छाड़ी उस तरह आजकल नहीं देखने को मिलती इसकी क्या वजह आई थिंक हम हमारी बाउंडिंग बहुत तगड़ी थी वोमेन अब सोशल मीडिया का दौर है उस वक्त ना फ़ोन इतना करीब नहीं होता था उस वक्त इंसान इंसान के पास टाइम बहुत था एक दूसरे के आ, अब अनफॉर्चुनेटली ये इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं अब ये जो मोबाइल है ना दैट मोबाइल इज़ टेकिंग अ फैमिलीज़ फ्रेंड्स एंड गुड वंस अ लव वंस अवे फ्रामीन टू के वर्ल्ड कप के फाइनल्स वाले इन भाई का पेट खराब हो गया था

आकिब जवेद और पता नहीं कौन था मेरा बकार था तो हम ऑस्ट्रेलिया में ना हमें कमर का इमरान भाई खाने पे लेके जा रहे हैं डिनर पे और सॉरी लंच पे तो प्रैक्टिस करके आए हम लंच पे लेके गए तो पिज़्ज़ा हट इमरान भाई इमरान भाई पिज़्ज़ा हट पे ले गए अब हमने कहा कि चले बड़े हैं कप्तान है हमारे कल्चर में है कि बड़े लोग जो होते हैं वो पैसा देते हैं और फिर अमीर भी हमसे ज़्यादा हैं तो पैसे वो देंगे तो खाना आया खाना खुना खाया हमने अपना सब कुछ होगा उन्होंने दूध का एक वो मंगाया खाया था पिज़्ज़ा हाँ पिज़्ज़ा सब ने खाया ना पिज़्ज़ा मंगवाया खाया सब ने हचारों ने खाया हमने खाया था जो शुक्र है चलो पैसे बच गया आज डेली अलाउंस बच गया तो खाना खुना खा के खड़े हुए जेब में से हार निकाला उन्होंने बिल को देखा बिल था वो सेवेंटी एट या सिक्सटी एट समथिंग लाइक दैट रिमेम्बर वो को देखा उन्होंने डिवाइड किया मैथमेटिकली उन्होंने कहा चार बंदे हैं सतारा सतारा डॉलर हमारे हिस्से आएंगे ये सतारह डॉलर मेरे हैं बाकी तुम अपने अपने दे के पे पहुंच जाना <laughs> लग गई इस में, इस में एक भी था मैंने उसको पॉजिटिव लिया मोमिन आपके पास अगर पैसे हैं तो आप रिलाय कभी जिंदगी में किसी के ऊपर रिलाय ना करना कोशिश करना आपका हाथ ऊपर हो नीचे ना हो क्योंकि ऊपर वाला हाथ तगड़ा हो <laughs> मुझे भाई ये बताएं कि 1992 के फाइनल से पहले उम्मीद थी कि जीत जाएंगे 1992 के फाइनल से पहले नहीं जब हम सारे मैच हारते रहे थे दो के मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया <laughs> में जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जीता है ना आप अगर वो मैच जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो दोबारा देखना उस वक्त उन्होंने कहा था कि इफ यू फाइट इफ यू फोर्ट लाइक लाके कॉर्नर टाइगर अगर तुम कॉर्नर टाइगर की तरह ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतोगे तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे और इफ में वर्ल्ड कप जीतने में इफ एंड बट्स भी थे मोमिन उस वक्त कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता बड़े थे उनका एक पर्सनैलिटी भी ऐसे थी फाइनल के दरमियान में इतना कॉन्फिडेंस हमारा हाई हो गया था न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हमने मारा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा और जो इफ एंड बट्स होते हैं ना कहते हैं ना जब इंसान का गुमान तगड़ा होता है ना किसी चीज़ को वो अचीव करने के लिए जुस्तजू करता है तो फिर अल्लाह उसके फ़ैसले उसके मुताबिक करता है क्योंकि होता है पता है क्या है हमारा गुमान कई दफ़ा कमज़ोर होता है उनका गुमान बड़ा तगड़ा था मैं तो कह रहा था कि यार तो आखिरी दो मैच रह गए ने राम न चुप करके बैग पैक करो और घर जाके हम पाकिस्तानी लोग थोड़े बहुत डांटे डूंटेंगे गालियाँ गुलियाँ देंगे उसके बाद सीधे पदरे हो जाएंगे फिर हम कोशिश करके इंग्लैंड के टूर की प्रैक्टिस करेंगे हम ये सोच रहे थे अब इक्कीस साल उम्र थी हमारी उस वक्त मेरी वसीम भाई की बाईस तेईस साल थी फाइनल वाले दिन ये हैविंग सेट दैट फाइनल वाले दिन जब वो हिका है ना ग्राम हिक वॉज़ वर इन अ ग्रेट फॉर्म तो ग्राम हिक जैसे ही अंदर आया तो मैंने कहा इमरान भाई के पास गया अब कोई बात ऐसे नहीं कर सकता था मगर कॉन्फिडेंस और लेवल ये हमारा था माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज इतनी तगड़ी हो गई थी मैंने कहा इमरान भाई मुझे बॉल दे दें दे, दो ओवर दे दें मैं इसको आउट कर दूंगा वो कह रहे हैं ये मेन प्लेयर है उनका इंग्लैंड का ये बहुत फॉर्म में है मैं कहा इमरान भाई इसको मेरी गुगली समझ नहीं आएगी आप मुझे बॉल दे दें आगे से उन्होंने भी ना नहीं की वो आगे से मुझे डांटते जिस हम नहीं कल्चर में कई दफ़ा कोई बच्चा कहता है बाबा ये मुझे करने के दें या टीचर को कुछ या, तो ठहर देते तेन <laughs> ज्यादा है तो मैं वो इस इस तरह उन्होंने जब मुझे कहा मेरा कॉन्फ्रेंस देखा उनका आ जाओ मुझे दो ओवर के लिए ले हालांकि पहले बॉल पे एक तिक्का एक चौका भी लगा कट पे अब मैं वो सेट कर रहा था उसको गुगली के लिए अब वो कट मारी तो उसको पता चल गया कि बार कट करती है अब मुझे पता चल गया था इसने कट मारने के लिए तैयार हो गया कि मेरा गेंद ऑफ टर्म से बाहर है वो ऑफ टर्म से फिर मैंने गूगली की वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मेहरबानी से इज्जत रख ली अल्लाह ने इज्जत ऐसी रखी कि बिलीव भी तगड़ा था और गूगली वो बड़ी जबरदस्त हुई है वैसे और उस गूगली पे जैसे ही विकट मिली है इमरान भाई ने आके शाबाश दी और कह वर्ल्डन शाबाश और आपकी तो सेलिब्रेशन भी वो कहाँ से जो है वो आ गई थी वैसे नेचुरली थी वो थी। आपका भी एक हो गया बहुत नेचुरल था मोमेंट वो एकदम जो होता है ना कहते हैं ये वाली गुगली थी उसको बिल्कुल समझ नहीं आई अब ये देखे मुझे शाबाश दे रहे इसके पीछे से अब जो जो कैच किया था ना वो जो आकिब ने बड़ा अच्छा कैच किया था ये वाला हाँ, इस पे मैं गूज को बड़ा तंग कर रहा था और जैसे ये ने कैच किया ना अब ये सेलिब्रेशन मैंने सोची ये, ये, थी ये, ये लग रहे हैं भी उड़ने लगे तो हैं मेरे हैं। मेरे वाली बात कर ली आपको लगता है कि 99 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हमने जो टॉस जीत के डिसीजन लिया था वो डिफरेंट हो सकता था uh if and buts moment ye ho jata hai ye 1999 99 की टीम हमारी बड़ी तगड़ी टीम थी वैसे वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टीम थी मगर उसमें पता क्या था अनफॉर्चूनेटली ये मुझे कहना पड़ रहा है यहां पे और ये रियलिटी भी है फाइनल से पहले इतने के सारे लोग माइलेज लेने आ गए जिसमें Uh, काफी हमारे पोलिटिकल लोग भी थे पॉलिटिक्स we एंटर एक, एक तो हो गई थी एक दिन पहले वो ना आने देते लोगों को आई थिंक वो रोक देते आई थिंक सो हंड्रेड उन्होंने स्टैंड ले लेना था लेना था और वसीम भाई ने भी लिया है वसीम भाई ने एक दो दफा क्या मना किया कि यार हमें लीवर सलोन हमें खेलने दो मैच खेलने दो मगर वो एक्चुअली यू नो यू कान से हाइस्ट लेवल पीपल आपको वो कई दफ़ा प्यार में भी आ जाते हैं सो so, आपको क्रिकेट को जब खेल लो वर्ल्ड कप हो जाए तब आपको आना चाहिए आप खेलते तो आपको लगता है डिफरेंट होता है रिजल्ट फिर हो सकता है चार ओवर पहले ही मौके जाता है नहीं नहीं नहीं, नहीं। <laughs> एक दफ़ा मोइन भाई से आपने 200 डॉलर मांग लिए थे और उन्होंने आपको किसी और कमरे में भेज दिया ये क्या स्टोरी ये मोहमेन कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है कोई लोग। स्टोरी एक दो हमारे हाथ भी लग गई है वो हुआ ये था कि मैं कोई पता नहीं डिनर करके आया था रात के कोई दस साढ़े दस ग्यारह बजे का टाइम था इंग्लैंड का वाक्य है इंग्लैंड में सीरीज चल रही थी अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने उसको कहा मोइन को कहा मोइन को कहा मैंने कहा मोइन नीचे आया मैं लॉबी से मैंने पता किया रिसेप्शन वालों को कि प्लीज़ पुट मी टू मोइन रूम तो मोइन ने आगे से मैंने फ़ोन किया फ़ोन उठाया तो मोइन की आवाज़ आई कौन सो रहा था वो कौन मैं कह मुशी कहते यार मुशी ये कोई टाइम है मैं सो रहा हूँ इतना थका हुआ था यार प्रैक्टिस करके अच्छी वाली नींद आई है तुमने उठा दिया मैं क्या मोन मोइन सौ या दो सौ डॉलर चाहिए मुझे ये पाउंड चाहिए वो कह रहा है यार ये कुछ टाइम है सुबह ले लेना मैं अभी सो रहा हूँ भा, भाग जाओ फ़ोन बंद कर दिया उसने अब दोस्त था फिर मैंने फ़ोन कर दिया टक 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 अब वो फ़ोन उठाया फिर कहते यार मुशी मैं कह रहा हूँ कि बाज़ आ जाए यार नहीं है पैसे मैं नहीं दूंगा जाओ जो और किसी से ले लो तो जब उसने जब गुस्से से कहा मैं कह लेने भी तुझसे और मैं आ भी रहा हूँ कमरा नंबर बता के आया अब वो उसकी वो भी बड़ी तगड़ी थी उसने ना अपना गलत कमरा नंबर बता दिया उसका दो सौ अठतीस तो उसने कहा फोर थर्टी एट अब मैं तो वो, मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ दरवाज़ा खोल मैं गया हूँ फोर थर्टी एट में जाके मैं नॉक किया टक टक नॉक किया तो आगे से आवाज़ आई हुए गोरो की तरह मोइन सू इंग्लिश दसने का है <laughs> अब तो मुझे बताएगा मैं तुझसे ज्यादा काउंटी क्रिकेट खेला हूँ मैं गोरो में ज्यादा रहता हूँ अब तू मुझे कहेगा मैं बाहर खड़े हो गए ये पंजाबी में उससे बात कर रहा हूँ और वो आगे से कह रहा हूँ हुर अब वो आवाज और चुची है मैं क्या मोइन दरवाजा खोल मैं तोड़ नहीं था वो दो तीन दफा उसने नॉक किया ना आगे से कोई यू नो आगे से गालियों की आवाज भी आई एक दो दफा तो जब वो दरवाजा खुला है तो एक गोरा नींद में और उसने वो गॉन नहीं होते जो होटल्स में पड़े होते हैं वो गॉन पहना हुआ वाइट कलर का और मेरी तरफ देखा है मैंने उसकी तरफ देखा जैसे है बस मेरी उसकी आंख मिली है मैंने लिफ्ट की तरह स्प्रिंट मारी इतनी स्प्रिंट मैंने गेंद के पीछे कभी नहीं मारी मारे मुश्ताक भाई से मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक तो आपने कहीं नहीं जाना इस तरह जाकर इस तरह आएंगे कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब सिर्फ सिर्फ है, आगे वापस आ जाए आ जाए शो शुरू करें आपका इंतजार कर रहे थे ये तो मजे मजे की बातें चलती रहेंगी मैं चाहता हूँ ये लोग बड़े एक्साइटेड हैं आपसे सवाल पूछने के लिए तो हम इनको भी मौका दें तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ अगर आपकी इजाज़त हो ऑडियंस क्वेश्चन जी प्लीज असल क्या हाल है आपके ठीक हो सर क्या सवाल पूछेंगे सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ का सबसे एम्बेलेंसिंग मोमेंट कौन सा था जिसको याद करके आज भी आपको हंसी आती है और आप रोक नहीं सकते एम्बेसिंग uh, मोमेंट्स uh, एक दफा अंडर 19 यूथ वर्ल्ड कप में मैं पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर रहा था अंडर 19 का वर्ल्ड कप एडलेट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था और हम फाइनल में पहुंच गए थे और मैं उस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर था उस मैच में प्रेशर के वजह से मैंने एक बॉल किया था जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था विकेट कीपर और बैट्समैन के ऊपर से फेंक के फुल टॉस कराई चौकाई हो गया था <laughs>

देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है अरे क्या बात माशाल्लाह। ये, ये उर्दू के टीचर कम लग रहे हैं और कफील भाई ट्रकों वाले ज्यादा लग रहे हैं जी कफील माशाल्लाह मुशी भाई मैंने 1992 का मैच कुछ देखा था अच्छा मुझे मैं लगा मैं कहने लगे मैंने खेला था खेला नहीं था <laughs> मैंने देखा था कॉलेज <laughs> में उस वक्त सिंह कॉलेज जाता था सेकंड ईयर में था तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टीम पे प्रेशर होता है ग्राउंड में तो क्या ट्रे, फिजिकल ट्रेनिंग तो देते हैं ट्रेनिंग भी होती है कोई। आपके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल होता है जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं जो उनका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे सबसे जो सीनियर प्लेयर होते हैं या मैनेजमेंट का रोल बहुत हो जाता है वो अपने लड़कों को ये समझाते हैं कि आप फोकस करना अपने प्रोसेस के ऊपर आउटकम का मत सोचना जी नेक्स्ट क्वेश्चन असल वाल हाल है बिल्कुल ठीक मुश्ताक सर कहते हैं कि जब तक किसी का दिल ना टूटे तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्या आपका कभी दिल टूटा है किसी के हाथों मैं बहुत कैमरे एक सेकंड बंद कर दें <laughs> <laughs> नहीं 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 कैमरे ऑन रखो कोई बात नहीं मैं बेटा मैं जब छोटा था आई वॉज सेवेंटीन सो अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरा जो जिन्होंने दिल तोड़ना था वो मुझे मिल गया और वो मेरी पार्टनर का जो मेरी वाइफ है अब अल्लाह का शुक्र है वो शी वाज 15 आई वाज 19 हमारा जब हमारा इंट्रैक्शन हुआ तो हमने डिसाइड कर लिया था वी गना गेट मैरिड और अल्लाह का शुक्र है कि हम तब से ले कर आज तक इकट्ठे हैं और अल्लाह हमें सदा सलामत रखे अब दिल के कभी टूटने की मौका ही नहीं आया हाँ दोस्तों यारों ने काफ़ी काफ़ी दफ़ा तोड़ा है मगर वाइफ की तरफ से अल्लाह का शुक्र है बहुत क्या बात क्या जवाब है।, है क्या बात है इस पर आपसे तो मुझे क्रेडिट नहीं मिल जो मिलना ही मिला वो मिला ही मिला मोमन से और आपसे जो मुझे घर से मिलना <laughs> <था>। <laughs> तो, <आगे देखना। laughs> <laughs> तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा फुल टॉस था बात <laughs> वाह क्या बात है आई जी नेक्स्ट क्वेश्चन असला मुश्ताक सर मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत से कप्तान के अंदर खेला है तो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में कप्तान कौन सा मुश्किल था मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगते थे वो जुवेद मियाँ साहब थे ऑल तो हमारी बेहतरी के लिए करते थे मतलब एक दफ़ा मैं फ़नी किस्सा सुनाऊं जो मैं बिल्कुल ही उस दिन गिर गया था हमारा एक म्योर था जो मसाज करने वाला होता है टीम का उसका नाम था एरक वो एरक भी लेग स्पिन करता था वो नेट में आगे ना वैसी बॉलिंग करता था एक दिन वो और मैं बॉलिंग कर रहे थे उन दिनों में एक मैच में मुझसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो एरक ने आगे बॉल की मैंने भी की तो जुवेद भाई उधर देख रहे थे प्रैक्टिस तो कह रहे देखा एरक उससे अच्छी बॉलिंग करता है मैंने कहा जुवेद भाई आप मिस्योर को मेरे से मिला रही है अब मैं उधर ही गिर गया सो so, ये अल्फाज कई दफ़ा कहते हैं ना अली रजी अल्लाह तआला को कितना ज़बरदस्त कॉल है और ये मैं पूरी नेशन को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ तलवार का ज़ख्म भर जाता है ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता होता इंसान को ये इसलिए प्यारे बच्चों ये हमारी कौम को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना ये आप मोमिन को जानते हो ही इज़ गॉट अ वेरी सेंसिटिव हार्ट आई आई नो दिस गाय यू नो ही केयर्स ही नो कि जी मुझे मैसेज कैसे डिलीवर करना है इसके प्रोग्राम्स के अंदर मैसेज होता है आप लोगों को ये मैसेज है कि जजमेंटल ना बनो यार पाकिस्तान में इस वक्त वी बिकम सो मच जजमेंटल हम एक मिनट में जो अब मेरा कोई फेवरेट है उसके बारे में कोई बात करता है तो मैं उसको इतना उसके खिलाफ हो जाता हूँ कि इतना हेटरेट होने लग जाते हैं हम तो उसके उस उसको सिंपल लाइफ रखो जजमेंटल ना बनो अगर अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करता है तो हम कौन होते हैं बदला लेने वाले कि एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप हर बात इतने मज़ेदार तरीके से कर देते हैं और उसमें कितना इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जो इंसान पिक भी कर लेता है केवन पीटरसन की और ग्रैम सोन इंग्लैंड के जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था इनकी लड़ाई हो गई और उसने बुक में लिखा था अपना एशिस का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में तो उसने कहा कि कैवन पीटरसन बहुत हमने बैड डिसीजन लिया था टू मेक हिम कैप्टन ईसीबी का सबसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सबसे बुरा डिसीजन था कैवन पीटरसन को कप्तान बनाने के लिए ही वॉज नॉट ए ग्रेट कैप्टन अब ये कैबिन पीटरसन को पता चल गया वो एंडी फ्लावर हेड कोच था मैं असिस्टेंट कोच था तो मैं एंडी फ्लावर मेरे पास आया को, वो कह रहा है बल्ला लेके घूम रहा है ड्रेस रूम उसमें कॉरिडोर में होटल में और वो कह रहा है स्वन लंच करने गया हुआ है स्वन आएगा तो उसने कहा कि जी मैं बल्ला मार के ना इसको इसके सर फोड़ देना और मैंने वापस चले जाना आई डोंट वॉन्ट टू प्ले फॉर इंग्लैंड एनी मोर बिकॉज ये कौन होता है मेरी डिसरिस्पेक्ट करने वाला बुक के अंदर अब ये बहुत हर्ट हुआ हुआ था तो उसको जब मैंने एंडी फ्लावर को कहा मैंने कहा लेट मी स्पीक टू हिम मैं उसके कमरे में गया वो बहुत रिस्पेक्ट करता था मेरी उसके मैं कोचिंग भी करता था उसकी तो केवन पीटरसन को मैंने दरवाजा बंद किया उसका कमरे का गुस्से में बैठा बल्ला लेके कहता आई विल नॉट स्पेयर स्वन टुडे मैं स्वान को नहीं छोड़ूंगा आज तो जब वो आ, मैं उसके पास गया मैंने कहा तू तु, तु, तुझे बेहतरीन बदला बताऊं जो सारी जिंदगी वो तड़पता रहेगा कहता यस आई आई वॉन्ट टू नो दिस मैं कहा तू बल्ला मारेगा सर फट जाएगा वो जख्मी हो जाएगा तुझे भी लोग बुरा भला कहेंगे उसको भी उसको भी सिम्पतिज वाले लोग आ जाएंगे तो बेहतरीन तुम्हें बदला बताऊँ कहता बताओ क्या है मैं कहा हमारे नबी ने फरमाया है अगर तुम हक़ के ऊपर रह के छोड़ दोगे तो सारी ज़िंदगी वो तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता पूछना तक ना ये ना पूछना तुमने क्यों लिखा है मैंने अगले दिन पी कैवन से कहता है यू श्योर कि वो उसकी नज़रें झुक जाएंगी मैं कहा आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर क्योंकि हमारे नबी की बात हर हक़ और सच है तो कहता है ओके उसने बल्ला छोड़ दिया गुस्से से कुछ नहीं कहा अगले दिन मीटिंग हुई जो केवन पीटरसन मीटिंग में कहता था स्वान आगे से कह रहा आई एग्री विद स्वान आई एग्री विद केवन पीटरसन आई एग्री विद हिम आई थिंक वी शुड डू दैट व्हाट केवन पीटरसन इज सेइंग दैट यू नो व्हाई बिकॉज माफ करने वाला तगड़ा होता है बदला लेने वाला तगड़ा नहीं होता बहुत माशा जी इंजमाम हक ज्यादातर रन आउट होते हैं तो जब वो रन आउट होते हैं तो जो कैप्टन होते हैं वो उनके सामने वो क्या बहाना बनाते हैं इंजमाम कभी भी जो रन आउट होके आता है ना इंजमाम वाज वेरी गुड रन रनर बिटवीन द विकेट किसी बहुत का हमारी टीम के लड़कों को पता है वो रन आउट ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि लोग उसको समझते नहीं थे वो रा, वो राना टुंगा था ना जो श्रीलंका का वो और इन में बहुत गेम अवेयरनेस थी मोइन खान इंजम के साथ बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करता था उसको पता था कि इन ने कब तिक्का लेना है कब दुक्का लेना है अब अगर इंजमाम का मूड है कि इस बॉलर को मैंने लूटना है तो पक्की सिंगल भी वो छोड़ के सही कई दफा उसको चौके चक्के चक्कर में वो नहीं लेता तो दूसरा बंदा भाग के आता है तो फिर वो रन आउट हो जाता था ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो बाद में आपको पता चलेगी अब मेरा खुना सिख गया तो मेरी आदत के लिए ये जो ले आपने सवाल इंजमाम भाई वाला पूछा है। है। इस पे आपको जेल है जेल है मुश्ताक भाई से मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक तो आपने कहीं नहीं जाना इस तरह जाकर इस तरह आएंगे कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब वेलकम बैक आ जाएं आज के शो में जो एंटरटेनमेंट है और जो इन्फॉर्मेशन है इसकी नदी बह गई है ओवरफ्लो हो गया काम तो इसको आगे लेकर चलते हैं और मुश्ताक भाई से पूछते हैं कुछ मजे के सवाल सिलसिला आगे लेकर चलते हैं और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे तो आपकी मोहब्बत के नारे लग रहे हैं क्राउड भी अक्सर स्टेडियम में बहुत नारे लगाता है कभी कोई ऐसा मौका कि क्राउड किसी प्लेयर के बारे में कोई नारा लगा रहा हो और वो प्लेयर खफा हो गया हो ऐसा कोई आपने एक्सपीरियंस किया है बहुत दफा किया मैंने तो बहुत दफा किया है मुझे तो आवाज़ दूर से ही आती थी ग्राउंड में जैसे ही मैं बॉलिंग मेरी बारी आती थी ना तो कराची से अक्सर मुझे कराची के एक स्टैंड से मुझे बहुत आवाज़ें लगाते थे पता नहीं वो मेरे पता नहीं कौन से दोस्त थे या पुराने दुश्मन थे वो मुझे कोने में खड़े हो गए आवाज़ पता क्या लगाते थे और छोटे स्पार्कू तो ऐसी आवाज़ें लगती थी तो मुझे लगता था यार मैं क्या करूं मैं तो मेरा कद बहुत छोटा है तो फिर मैंने इस चक्कर में ना शाहिद अफरीदी को पता है शाहिद में शाह और मैं गए फिर कैनेडा में तो हमने मैंने इतनी मोटी वाली हील जो लुक बनाने वाली वो नहीं होते बूट पहने होते मोटे मोटे हाँ। वो मैंने इतनी हील वाले जूते पहन के ना तो फिर मैं आम फिरता था कि चल थोड़ा बहुत तो यार बड़ा लगू लंबा लगू ना। <laughs> <का>। <laughs> कोई और प्लेयर का कोई आपको वाक्य याद हो जो खफा हो गया हो कोई और प्लेयर कोई पाकिस्तान का भारत का इस तरह का कभी बहुत क्राउड नारे लगाना शुरू हो गया हो एक दफ़ा वसीम भाई और मैं जा रहे थे तो क्राउड ने वसीम भाई को छेड़ना शुरू कर दिया तो मैं और वसीम भाई जा रहे थे अब वसीम भाई ना गुस्से में आके ना वसीम भाई ने उनकी तरफ मुंह मु किया आगे से वो भी वसीम भाई जितने लंबे लंबे कद का, वाले थे तो वसीम भाई ने उनको भी आगे से डांटा कुछ कहा बुरा भला जो वो बुरा भला कह रहे थे वसीम भाई को भी तो वसीम भाई ने आगे से ना उनको पकड़ पकड़ने की कोशिश की तो आगे से कहते वो आगे से ना तीनों चारों वो भी तगड़े थे वो कहते एक्सक्यूज़ मी आर यू टॉकिंग अबाउट वो आगे बढ़े तो वसीम भाई साथ ही मुझे कहते मुशी देख ऐसे लोगों को जैसे इंजमाम बल्ला लेके चला गया था टोरंटो में मारने के लिए क्योंकि कई दफा लोग बहुत पर्सनल बातें करते हैं फैमिली की बातें नहीं करनी चाहिए होटिंग आप जरूर करें पर किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें एज अ फैन देखिए आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान की टीम मैच हार जाती है लोग तीन तीन दिन काम पे नहीं जा पाते लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और पर्सनल अटैक्स करना दैट इज बिलो द बेल्ट वो कभी भी नहीं करनी चाहिए मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूं मेरी वीडियोस भी आपने देखी बट इट इज नेवर अ पर्सनल अटैक इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल और आपको देने होंगे उनके जल्दी जल्दी से कुछ जवाब क्रिकेट में अगर एक रूल खत्म करना हो तो वो कौन सा होगा छिक्के चौके बंद कर दियो क्योंकि स्पिनरों को छिक्के चौके बहुत पड़ते हैं <laughs> फिर क्रिकेट तो आम फिर किड़ी एंटरटेनमेंट रह जाएगी अच्छा फिर कहो जी के आ, आ, क्या करें फिर फिर सारे फील्डर सर्कल ही रखो फिर चौबी <laughs> <करेंगी। laughs> फिर तो बहुत ही एंटरटेनमेंट मिल जाएगी लास्ट ओवर एक ओवर में तीन रन चाहिए आप बॉलिंग का लास्ट ओवर किससे करवाएंगे मोहम्मद आमिर नसीम शाह जसप्रीत बुमराह या मिचुल स्टार्क

पाकिस्तान किसकी कैप्टनसी में आज तक सबसे अच्छा खेला है पाकिस्तान आई थिंक इमरान खान की कपा वो कौन सा क्रिकेटर है जिसको क्रिकेट के अलावा सब कुछ आता है तीन चार जाने ने की ना लो चलो सारे लो पे आई थिंक इसमें हमारा बहुत लवली आई लाइक हिम वेरी मच अहमद शहजाद सही उमर अकमल बिल्कुल सही और हमारा कौन है हमारे दौर के कौन थे सईद अनवर साहब माशा और कौन थे और कौन थे असी मैं आप भी किसी को नहीं, नहीं।, नहीं है वैसे कौन है जो ग्राउंड में हमेशा अपनी मर्जी करता चाहे कैप्टन भी समझाए आई थिंक शाहिद अफरीदी अच्छा शाहिद भाई ने अपनी शाह है <laughs> अगर इन क्रिकेटर्स पे कोई फिल्म बने तो आपके हिसाब से टाइटल क्या होना चाहिए मोहम्मद आमिर एंग्री मैन सलमान भट सिंगम सिम सिम वसीम अकरम कालिया 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 मोहम्मद आसिफ डॉन किस क्रिकेटर का ध्यान मैच से ज़्यादा इंक्लोजर पे होता है अब ये आप मुरमाने वाली बातें कर रहे हो वैसे मैं कह देता हूँ चलो मार पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं फगीव मी गाइज प्लीज मैं आप भी मेरा नाम ले लेना वसीम भाई और वकार <laughs> इन क्रिकेटर्स को एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे शाहीन अफरीदी लेंथ बॉलिंग पे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना चाहिए शाहीन को ठीक है बाबर आजम आ, स्वीप जरूर सीखें स्पिनर के खिलाफ और कदमों का इस्तेमाल करना वेरी नाइस फ़खर जमान चाहिए थोड़ा सा टेक्निक के ऊपर काम करने में कोई हेजिटेशन नहीं आप जितने मर्जी एज में ज्यादा हो जाएं आप सिर्फ आई थिंक आप फिर भी सीख सकते हैं शादाब खान आई थिंक थोड़ा सा अपने एक्शन की रिपीटेबिलिटी पे उस पर काम करना चाहिए अगर उसका एक्शन रिपीटेबल हो जाएगा तो ही कैन बिकम मोर डेंजरस इवन वेरी नाइस शकील आई थिंक साउथ शकील को सिर्फ कंसिस्टेंटली मौका मिलना चाहिए आई लाइक दैट गाय गॉट वेरी टैलेंट मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान इज़ द गाय हु एक्चुअली अपने टैलेंट से भी ज़्यादा परफॉर्म करता है और बहुत ज़्यादा इन्वेंट करता है चीज़ों को और उस पर बिलीव करता है एंड आई थिंक अगर उसको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आई थिंक अपनी फिटनेस के ऊपर अपने क्रैम्स के ऊपर ज़रा करें ज़्यादा मुझे बताएं आपने माशाला इतनी कोचिंग की दिल्ली डे डेवल्स में फिर पी एस एल में इंग्लैंड की टीम को एक अच्छा कोच बनने के लिए क्या स्किल ज़रूरी है मोमिन बड़ी सिंपल सी बात है अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है और फेलियर्स में आप अपने स्टूडेंट्स को ऑनरशिप दो ये सबसे मुश्किल काम होता है जिसने क्रिकेट खेली हुई ना उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है अगर बंदा कोई गलती कर रहा है जिसको आप सिखा रहे हैं और वो गलती बार बार करे और आपको पता है कि ये मैच विनर भी है बस इससे गलती हो रही है रिपीट करी जा रहा है करी जा रहा है उसके ऊपर आप गिव अप ना करो अगर अच्छा उस्ताद अच्छा कोच अपने स्टूडेंट के ऊपर गिव अप नहीं करता द आई ऑलवेज़ यूज़ दैट फ्रेज उस उस्ताद को कोई हक नहीं अपने स्टूडेंट को डांटने का या मारने का अगर रात को या शाम को उसके लिए दुआ नहीं करता और उसके लिए बिलीव नहीं करता उस उस्ताद को उस कोच को कोई हक़ नहीं होता मेरा बड़ा फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन है ऑन योर प्लेयर्स वैन दे आर डूइंग नथिंग वन दे आर डूइंग एवरी थिंग यू कैन गो अवे फ्राम देम बिकॉज दे डोंट नो दे उस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं होती उनको शुएब अख्तर साहब ने अपनी किताब कॉन्ट्रोवर्शली यार्स में लिखा कि सचिन टेंडुलकर की उनके सामने टांगे कामती थी ये आपने भी लाइफ का भी मंजर देखा है देखा है मैंने क्योंकि मैं लकीली में शुएब अख्तर के साथ दो साल खेला हूँ टेस्ट मैचेस भी हम काफ़ी खेले हैं साथ शुएब अख्तर वॉज वेरी फास्ट वेरी डेंजरस उसके बारे में इंजमाम हम अक्सर कहते होते हैं कि उसके डेंजरस पार्ट पता है क्या है वो जब रन अप भागते एक तो इतना शेरों की तरह भाग के आता था वो और वोकारस जब वो भाग के आता था जब क्रीज़ के ऊपर जंप मारता था ना जैसे जम मारता था ना तो बैट्समैन के जो ट्रिगर होते हैं ना ट्रिगर मूवमेंट उसके लिए वो बॉल खेलने के लिए तैयार हो जाता था और शुब अख्तर का जो एक पीछे लेके जाना था बॉल वकार यूनस की तरह वो उसके मोमेंटम को बैट्समैन के मोमेंटम को तोड़ देता था तो वो बैट्समैन को बॉल करने से पहले रिसीव कर देता था ऊपर से सोने पर सुहागा वो सौ की स्पीड से बॉल कर रहा होता था नाइन्टी प्लस तो हर वक्त करता था अब सोचो आप कि 90 प्लस 95, 96, 97, 99 और 100 के स्पीड पे बॉल कर रहा हो और बैट्समैन का मोमेंटम भी आपके साथ ना मिल रहा हो तो यू यू विशिंग के यार जल्दी जल्दी आउट हो मैं ड्रेसिंग रूम से जामा उनकी तो बॉल नजर ही नहीं आती नहीं मैं मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस की ना उसके <laughs> तो हमें टे लैंडर्स को के, एक दफ़ा उन्होंने कहा यार आओ मैं नया बॉल से ना पता नहीं वसीम भाई ने कहा कि यार टे लैंडर्स हमारे स्कोर नहीं कर रहे तुम लोग भी जाके फास्ट बॉलों को खेलो और शुएब तुम्हें टे लैंडर्स को आउट नहीं करना आता तुम मेन बैट्समैनों को तो आउट कर ले तो इनके ऊपर भी प्रैक्टिस करो तो मैं शुेब के पास गया तो शुेब को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा मैं शुएब के पास गया मैं क्या शुेबी तू मैं अगे स्लिप नहीं मरवा सदै तू मेरी तू मेरे मूँह में स्विंग करके तू स्लिप मरवा के दिखा तू तो कहता वो एक मिनट का काम है मुशी भाई नहीं मैं तेरे को छे बॉलों ने छे बॉलों के स्लिप मुझे पता था उतनी पेस के ऊपर ना मेरे बल्ले पर बॉल लगनी ना मेरी स्लिप लगनी है पर ये कहीं पीछे ना मार दे मैं पीछे से टा के उसको आगे लेके आया हूँ तो शुक्र है उसको भी समझ आ गई तीन बोलों के बाद शुएब अख्तर की सेंस में बड़ी तगड़ी है तीन बोलों के बाद कहता है मनु समझ आ गई तुम तो की चाहते हो मैं पीछे ना मारा मैं क्या हाँ यार पीछे ना मारी कहता नहीं मारदा मुशी भाई उश्क भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू तो द शो आपने इतनी वैल्यू ऐड की इतना एंटरटेन किया हंसाया भी और इतनी अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपने तो इस शो को आज आई थिंक एक और टेंजेंट पे आप ले गए एंटरटेनमेंट एंड समथिंग इन लाइटनिंग तो बहुत शुक्रिया उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा हद कर दी मैं आज आके आपसे बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे शो पे गेस्ट आते बट हाउ वॉज दी एक्सपीरियंस टुडे मोमेन इज ग्रेट ऑनर फॉर मी टू डूंग शो विद यू आप बहुत अच्छे मुझे लगते भी हो आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान है मैं मोमेंट को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लिया था कि इसके अंदर बहुत सेंसिटिव हार्ट है ये जितना लोगों को हंसाता है इसके अंदर एक फीलिंग भी है सेंसिटिव भी है कई दफ़ा हम जज नहीं बनते मगर इसके प्रोग्राम के तवसल से मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ वीरस को मैसेज देना चाहता हूँ आपका इलम बच्चों और जितने भी लोग सुन रहे हैं आपका इलम तब तक वो आपको फ़ायदा नहीं देगा जब तक वो अमल का हिस्सा नहीं बनेगा सबसे गुजारिश है जो इलम है उसको अमल की जिंदगी में बदल दो तुमसे खूबसूरत इंसान कोई नहीं होगा बहुत प्यारी बात की इस बात पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं आएँ ताकि आप भी एक अच्छे ग्लोबल सोशल सिटीज़न बनें आप सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं हंसते खेलते रहें दुआ में याद रखें मिलते हैं आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ आई लव यू